चाहत के परवाने आशिक अपना नाम, चाहत के परवाने आशिक अपना नाम, हमको तरपने से ही मिलता है आराम, हमको तरपने से ही मिलता है आराम। अफसाने लिखे हमने लेके कई अल्फाज, अफसाने लिखे हमने लेके कई अल्फाज, जिस दर्द से तुम हमको दिया करते हो आवाज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में, और मैं हूं बिपिन यादव। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एज प्रॉब्लम, यानी कि आयु समस्या। तो एज प्रॉब्लम जो कि आपके रेलवे के लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाया, इससे पहले भी एज प्रॉब्लम का कई वीडियो बना दिया है, और अब हम लोग शुरू करेंगे एडवांस मैथ पर। एडवांस मैथ का पहले भी वीडियो मैंने डाला था, लेकिन अब हम चलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, हम उस पर अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एडवांस मैथ में किस पोर्शन पर, यानी किस चैप्टर पर हम सबसे पहले काम करें। तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, आपके कमेंट को लाइक भी करता हूं। तो चलिए, और हां, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बगल में जो घंटी आएगा उसे भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितनी बार मैं वीडियो डालूंगा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं आज एज। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि औसत जो होता है, औसत, औसत आयु भी आएगा इसमें, तो औसत होता है एवरेज, जो होता है एवरेज यानी औसत, एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं, योग बटा एन, योग बटा क्या एन, ये होता है एवरेज। और सिंपल सा बात, एन इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी एवरेज और एन को गुना कर देंगे तो योग भी हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप जान गए। अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, और चाहे एवरेज बट्टा में भेज दीजिएगा तो एन निकल जाएगा। कहने का मतलब कि अगर एवरेज निकाला हूं, मान लीजिए 10 और 20, कोई दो व्यक्ति, एक व्यक्ति मान लीजिए एक बच्चा है जो 10 साल का है और एक 20 साल का है, तो उनका औसत आयु कितना होगा, तो हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, योग बटा एन, माने जय संख्या को जोड़ना है बटा में उतना लिखना है। तो 20 और 10 30 को 2 से भाग दिया तो कितना हुआ, 15। अब एक बात, इस 15 को, यानी एवरेज हुआ 15 और एन नंबर कै गो था, 2 संख्या, 2 गुना किया, 15 × 2 = 30, ये हो गया योग, यानी कि अगर एक संख्या 10 है और एक संख्या 20 है, योग कितना होगा, 30 होगा ना, ऐसे भी एवरेज और एन को गुना किए तो योग हो गया 30। यानी आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, एवरेज बराबर योग बटा एन, तो इसी से आप 2 फार्मूला और अपने मन से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक बातें हमने आपको समझा दिया, अब आप मेन बात जो है जो समझिए जरा एक बार, कोई भी समूह का, कोई भी समूह का औसत आयु, आयु जो है समय के साथ बढ़ता या घटता है। अगर मान लीजिए इस क्लास के सभी विद्यार्थी का औसत आयु 18 वर्ष है, इस क्लास के सभी विद्यार्थी का औसत आयु 18 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद इन सभी का औसत आयु कितना होगा, 18 में 5 जोड़ देना, 23 वर्ष होगा, ठीक है। और सीधी बात, अगर मान लो कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, औसत आयु है 14 वर्ष 5 बच्चा के, तो 5 से गुना कर दीजिएगा, 14 × 5 = 70 वर्ष उन सभी का कुल आयु हो जाएगा। ऐसे भी होता है किसी भी समूह में, किसी भी समूह के औसत में जितना जोड़ दीजिएगा उतना वर्ष बाद का हो जाएगा, और औसत आयु में जितना घटा दीजिएगा वर्तमान औसत आयु में उतना वर्ष पीछे का हो जाएगा। अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं आपके क्वेश्चन पर, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि पूरा बेसिक से पढ़ने के लिए मात्र आप 6 वीडियो देखेंगे तो पूरा एज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एक वीडियो 12 मिनट के लगभग का है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाइए वहां पर सारी वीडियो को, 6 वीडियो देखिए, 12 मिनट का है लगभग, 12 × 6 = 72 मिनट, 72 से 60 मिनट में पूरा एज प्रॉब्लम खत्म, समस्या नहीं होगी,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाके देखिएगा, जिसे मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रखा हूँ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, देखिएगा सवाल है कि तीन लड़कियों का औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है। सवाल है कि तीन लड़की के उम्र है 3:5:7 में, तीन लड़की के आयु का अनुपात 3:5:7 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी हमने पढ़ाया। 3:5:7 में अगर ये 3 साल तो ये 5 साल, ये 7 साल, ये रेशियो में कह सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, और उनका औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है उनका औसत आयु। अरे कई लड़की का, तीन लड़की का, तो औसत में 3 से गुना करेंगे, एवरेज इन 2n, तो 20 60 वर्ष योग हो गया। हम गुना क्यों किए, क्योंकि योग निकल जाएगा 60 वर्ष, यानी तीनों के उम्र मिला दिया जाएगा, तीनों लड़की के उम्र मिला दिया जाएगा तो 60 वर्ष हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, 3:5:8:7:15 अनुपात में योग 15 और रियल में 60, 15 का वैल्यू 60, 15 4 60। सुनिएगा, देखिए अनुपात में तीनों का योग हो गया 15 और रियल में तीनों का योग हो गया 60 वर्ष, तब 15 का वैल्यू 60 हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना, 15 4 60, यानी 4 वर्ष। सवाल कहता है कि सबसे छोटी लड़की का उम्र बताइए, अनुपात 1 का मान 4 है, तो सबसे छोट का अनुपात में यह ना है, अनुपात 1 का मान 4, तो 3 का मान 4 3 12 वर्ष हो जाएगा। 1 का वैल्यू 4 वर्ष, तो 3 का वैल्यू 4 3 12 वर्ष नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आप भी जानते हैं इस बात को। तो सबसे छोटी लड़की हो गई 12 वर्ष की, सबसे बड़ी लड़की के बारे में पूछा जाता तो अनुपात 1 का मान 4 था, 7 का मान निकालते 7 6 28 हो जाता, 28 वर्ष, अब बीच वाली हो जाती 20 वर्ष की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, प्रश्न कहता है आपके सामने है प्रश्न, 8 आदमी की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 लोग को नए आदमी से बदल दिया जाए, इन दो नए आदमी की औसत आयु कितनी है। सुनिए सुनिए, ऐसा सवाल कितना बार एग्जाम में आया है, सुनिए अभी भी सुन लीजिए एक बार, जब भी ऐसा सवाल हो, एक टाइप है, एगो दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई भी चैप्टर में 10 12 15 टाइप होता है, टाइप एगो ये स्पेशल टाइप, सुन लीजिए, कि जब समूह में किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से, किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, तो बनाने का रूल सीखिए इस सवाल में। देखिए 21 वर्ष और 23 वर्ष वाला के आयु के 2 लोग को 2 नए आदमी से बदल दिया जाए, मतलब 21 वर्ष और 23 वर्ष वाला जाता होगा तब ना उसके जगह 2 नया व्यक्ति आता होगा, यानी किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़े या घटे, तो बनाने का तरीका सुन लीजिए। पहले बोला है 8 आदमी की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ा तो योग में वृद्धि है, 8 आदमी का औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ा, औसत में 2 की वृद्धि हुआ, 8 आदमी तो 8 2 16 वर्ष ना बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देना है कि 8 2 16 वर्ष के वृद्धि हुआ, 8 आदमी 2 साल से बढ़ जाएगा तो 8 2 16 साल बढ़ जाएगा। अब कहता है ऐसा तब हुआ जब 21 वर्ष और 23 वर्ष के आयु के 2 लोगों को नए आदमी से बदल दिया गया, यानी 21 और 23 ये दोनों गया होगा, 21 और 23 तो टोटल कितना चल गया बताइए, 44, 3 1 4 2 2 4, यानी 44 वर्ष चला गया, उस आयु में कमी आ गया, उस योग में कमी आ गया, क्योंकि एगो 21 वर्ष वाला एक 23 वर्ष वाला चला गया, तो इसको लिखना है माइनस। आ यहां लिखना है जो नया व्यक्ति आएगा उसके आयु, दोनों नए व्यक्ति की आयु लिखना है, तो दोनों नए व्यक्ति की आयु, एक बात सुन लो, रूल क्या कहता है कि दू रंग है तो जोड़ के आ एक रंग है तो घटा के, मतलब एगो है प्लस में एगो माइनस में तो जोड़िएगा, फिर मान लीजिए कि यही माइनस ही प्लस तब जोड़ना है, 2 तरह है तो जोड़ना है, आ सेम रहेगा चिन्ह तब घटा देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर में सवाल रहता
कि 8 आदमी की औसत आयु 2 बरस से घट जाता है, तो यहाँ 8 दुना 16 बरस माइनस में लिखते आ ई भी माइनस में, तो 16 44 का अंतर यहाँ लिखते, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में तो जोड़ के लिखिएगा, ठीक है। 16 44 कितना हो गया 60, दो रंग तो जोड़ के आ एक रंग तो घटा के 60 बरस हो गया। आपको पूछा है एवरेज एज, तो हुआ कुल आयु, 60 में 2 से भाग दे दीजिए, कहे कि दो आदमी की आयु है तो 2 से भाग 3 का रहता, 3 से भाग 4 का रहता, तो 4 से भाग देते तो 30 वर्ष हो जाएगा इसका औसत आयु। आपका आंसर 30 हो गया, माने जयगो का आयु है उतना ही से भाग दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। 5 बरस पहले, कब, अभी ना, 5 बरस पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। ये तो खूब समझ में आएगा आप लोग को, देखिएगा। हाँ, शादी ब्याह के चर्चा हुआ है ना, आप लोग भी नौकरी उकरी करके शादी ब्याह करिएगा और भारत की जनसंख्या में योगदान दीजिएगा। जल्दी से देखिए, 5 बरस पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी के विवाह हुआ था ना, उस समय औसत 23 वर्ष था। उ दोनों के औसत आयु 23 वर्ष था, कब, 5 साल पहले। अब अगर 5 जोड़ दे तो वर्तमान में ना निकल जाएगा, 23 5 28 वर्ष। सुनिए सुनिए सुनिए, यानी यानी पति यानी हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, पति पत्नी के वर्तमान में औसत आयु, वर्तमान एवरेज एज, चलिए वर्तमान औसत आयु, एवरेज यानी औसत, एज माने आयु, 28 वर्ष हो गया। क्योंकि 23 साल तो औसत आयु 5 साल पहले ही था दोनों का, तो 23 में 5 जोड़ दिए तो वर्तमान में आ गए, 5 साल पहले की आयु में 5 जोड़ दिए आ गए वर्तमान में, यानी 28 वर्ष। तो पति और पत्नी का कुल आयु कितना, हस्बैंड और वाइफ की कुल आयु कितना, कुल आयु है भाई, ए सुनिए सुनिए, 28 वर्ष औसत आयु है दो व्यक्ति का, तो दो से गुना करिए, 28 गुना 56 वर्ष होगा दोनों के कुल आयु, दोनों के कुल आयु वर्तमान में कितना, 56 वर्ष। अब सवाल कहता है कि पति पत्नी और बच्चा, लीजिए एक बच्चा भी है अब, जिसका इस दौरान जन्म हुआ था, माने शादी के बाद के दौरान जन्म हुआ था, कि अब औसत आयु 20 वर्ष है। हाँ, शादी होने के बाद एक बच्चा हुआ तो इन सभी का औसत आयु 20 वर्ष है। लीजिए हस्बैंड वाइफ अब 20 से बच्चा लिख दिए, सी एच से न लिख के 20 से लिख दिए, सुनिए, तो इन सभी का औसत आयु 20 वर्ष है। ये औसत आयु 20 वर्ष कितने व्यक्ति का, 3 व्यक्ति का, तो 20 60 वर्ष हुआ, 60 वर्ष हुआ तीनों का आयु का योग। सवाल ये कहता है कि बचवा की आयु बताइए ना, अरे 60 वर्ष तीनों है, आ तीनों के आयु में से माए बाप के आयु घटा देंगे तब बच्चा ना निकल जाएगा 4 वर्ष के। बात करते हैं, शादी हुआ था 5 साल पहले, अब बच्चा हो गया 4 साल के, यानी 21 साल शादी के हुआ तो बच्चा भी हो गया। लीजिए हिसाब बारी ठीक है, चलिए आप लोग भी अपना हिसाब बारी देखिए, चलिए आगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा सवाल है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है माँ 36 रुपए को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। एक माताजी हैं जो अपनी दो बेटियों के बीच पैसे को बांटना चाहती है, 36 रुपया माताजी के पास है, माँ के पास कितना है 36 रुपया, वो अपनी बेटी जिनका नाम है भूमिका, श्रेया और भूमिका, बहुत अच्छा नाम है, श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती हैं। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष है और भूमिका की उम्र 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे। सुनिए सुनिए, माँ गजब दिमाग लगाई है, आखिर माँ तो माँ होती है, माँ सोचती है कि बड़की बेटी के ज़्यादा पैसा छोटकी बेटी के कम पैसा देंगे। इसमें क्या कह रहा है कि श्रेया और भूमिका है, श्रेया और कौन है, भूमिका है, तो श्रेया और भूमिका के बीच में
पैसा को बांटना है और उनके उम्र के अनुपात में। तो उम्र देखिए, श्रेया की उम्र है 15, श्रेया की उम्र है 15 और भूमिका की उम्र है 12, तो इसी रेशियो में बटाएगा। तो इसको काट के देखो, रेशियो निकाल लो, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी इसका हिस्सा जो होगा इसके उम्र के अनुपात में और उम्र का रेशियो हो गया 5:4। मतलब श्रेया कम उम्र की थी, सॉरी भूमिका कम उम्र की थी, श्रेया ज्यादा, इसीलिए भूमिका को कम पैसा और श्रेया को ज्यादा मिलेगा। इसको 4 रुपया तो इसको 5 रुपया ऐसे बांटना है। तो टोटल रुपया अगर ऐसे बटाएगा तो अनुपात में दोनों का रुपया मिला दिया जाए तो 9 होना चाहिए, यानी जो उसके उम्र का रेशियो है वही उसके हिस्सा का रेशियो होगा। सवाल कह दिया, कंडीशन यही है। तो अनुपात में दोनों के उम्रों का योग हुआ 9 और रियल में योग हुआ 36 रुपया। उम्रों का योग है या आप हिस्सा का योग कहिए, ठीक है, यानी दोनों के कुल हिस्सा का योग 9 और रियल में कुल हिस्सा का योग है 36। 9 का वैल्यू 36, क्योंकि ये भी योग है या ये भी योग है, अरे दोनों योग है इसीलिए आपस में बराबर। 9 का वैल्यू 36, 1 का वैल्यू हुआ 4 रुपया। अब 1 का वैल्यू 4 रुपया तो यहाँ 4 का वैल्यू 4 चौका 16 रुपया, 1 का वैल्यू 4 तो 5 का वैल्यू 4 पचे 20 रुपया, यानी श्रेया को 20 मिलेगा और भूमिका को 16 मिलेगा, 20-16 मिलाकर हो गया ना 36। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, सुन लीजिए, पूरा एवरेज पढ़ा दिए हैं, मात्र 6 गो तो वीडियो देखना है, 6 गो वीडियो में बात खत्म, दिक्कत नहीं होगा। नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आ लिंक पर क्लिक करिएगा और सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। उसमें थोड़ा सा रूल क्या है, लिंक पर क्लिक करिएगा, थोड़ा सा 10-15 सेकेंड वेट करिएगा, अपने वीडियो खुलेगा, और जब खुलेगा ना, खुलेगा कुछ नहीं कीजिएगा, पहले तो ब्लैक दिखेगा, खुलेगा उसके बाद क्वेश्चन दिखेगा आपको, बस प्ले कर दीजिएगा और 1 से दिखिएगा, ठीक है, पार्ट 1 से। अब फिर देखते हैं कि औसत आयु काहे नहीं समझ में आएगा आपको, पक्का आएगा समझ में। और सुन लीजिए, अगर कोई व्यक्ति पेड वाला मेरा क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास, तो भी सादर आमंत्रित हैं। उसके लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 79705327। तो ये चलता है पेड वाला क्लास, अगर आपको जानकारी लेना है या कोई भी जानकारी, अगर आप मेरा बुक परचेज करना चाहते हैं जो असाइनमेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने स्टूडेंट को, तो इसी पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं इस तरह से वीडियो आपको लगातार आपके लिए लेकर आते रहता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में एक चीज़ और बताना, एडवांस मैथ शुरू कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर पहले शुरू किया जाए जो आप लोग के लिए बेहतर हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।